डोनाल्ड ट्रंप के मकशॉट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुटकी ली। सवाल पूछे जाने पर कहा कि ट्रंप मकशॉट में हैंडसम शख्स की तरह नजर आ रहे थे। गुरुवार को सरेंडर करने जॉर्जिया की जेल पहुंचे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मकशॉट लिया गया था। 31 वर्षीय पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद को आतंकवादी संगठन ISIS को सहयोग करने और अमेरिका के लॉन वुल्फ में आतंकवादी हमले की योजना बनाने के आरोप में 18 साल की जेल की सजा हुई है। मसूद के पास पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर का लाइसेंस था। H-1B वीजा लेकर रोचेस्टर मिनेसोटा के मेडिकल क्लिनिक में काम कर रहा था। अमेरिकी रैपर ब्लूफेस को एक अनजान शख्स ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। आरोपी ने लॉस एंजलिस स्थित एक बॉक्सिंग जिम में घुसकर ब्लूफेस पर वार किया। पूरी घटना का CCTV फुटेज ब्लूफेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। अब ब्लूफेस 14 अक्टूबर को होने वाले बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अमेरिका की माउई काउंटी में भड़की जंगल की आग मामले में हवाई इलेक्ट्रिक कंपनी पर केस दर्ज हो गया है। माउई में भड़की जंगल की आग में 115 लोगों की मौत हो गई थी। चेतावनी के बावजूद सबसे बड़ी बिजली सप्लाई कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। अमेरिका की एक रिफाइनरी के 2 स्टोरेज टैंक में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग के चलते इलाके के पूरे आसमान में काले धुएं के गुबार नजर आने लगे। स्टोरेज टैंक में आग के चलते कंपनी ने प्रोडक्शन यूनिट में काम बंद करवा दिया। कंपनी ने यूनिट को बंद करने की बात कही है। न्यू ऑरलियंस से 67 किलोमीटर दूर के ग्रामीण इलाके में आसमान काले धुएं से भरा नजर आया। अमेरिका के मिशिगन ओहायो में भीषण तूफान से भारी तबाही मची। तेज तूफान की वजह से बिजली सप्लाई ठप हो गई। मिशिगन ओहायो के बड़े इलाके में बिजली गुल होने से हजारों घरों में अंधेरा छा गया। बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। तेज तूफान से 4 लोगों की मौत हो गई। कई पेड़ उखड़ गए जिससे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई। कैलिफोर्निया प्रांत के सैन डिएगो में अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया जिसमें सवार पायलट की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की पुष्टि की है। 24 अगस्त को सैन डिएगो के पास अमेरिकी नौसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया था। बॉस्टन में शनिवार सुबह हुई गोलीबारी में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सुबह 7:44 पर बॉस्टन पुलिस विभाग को ब्लू हिल एवेन्यू और टेलबॉट एवेन्यू में गोलीबारी की घटना का पता चला, जिसके बाद गोलीबारी में जख्मी लोगों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया जिसमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। घटना को लेकर पुलिस जांच में लग गई है। तख्ता पलट को पलटने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक इकोवास की ओर से सैन्य कार्रवाई की धमकी पर बढ़ते तनाव के बीच में नाइजर के सैन्य शासकों ने शुक्रवार को फ्रांसीसी, जर्मन, नाइजीरियाई और अमेरिकी राजदूतों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। अल्टीमेटम को फ्रांस ने खारिज कर दिया। नासा और स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान शनिवार को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। क्रूज 7 मिशन की कमान अमेरिकी जैस्मिन मोकबेली के पास है। अंतरिक्ष यात्रियों में डेनमार्क के एंड्रियास मोगेंसन, जापान के सातोशी फुरुकावा और रूस के कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव शामिल हैं।